नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में उधार के साथ घटाव करना सीखेंगे। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। एक डिब्बी में 12 गुड़ की डेली है। गैफी ने 3 गुड़ की डेली खाई। डिब्बी में कितनी गुड़ की डेली बची है? बच्चों, यहाँ हमें बचे हुए गुड़ की डेली का पता लगाना है। हम घटाव का इस्तेमाल कर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम घटाव को इस तरह से लिखते हैं। क्षैतिज में कुछ इस तरीके से लिखें। 12 घटाव 3 कितने हुए? और खड़ी पंक्ति में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले इकाई की संख्या को घटाएंगे। हम 2 घटाव 3 नहीं कर सकते क्योंकि 2 3 से छोटी संख्या है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे हल करें? बिल्कुल सही, यहाँ हम उधार का इस्तेमाल करेंगे। हमें दहाई संख्या से 1 लेने होंगे। 12 घटाव 3 हुए 9। 9 को हम इकाई वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। यहाँ क्षैतिज में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 12 घटाव 3 हुए 9 और खड़ी पंक्ति में इस प्रकार का। आइए अब दहाई वाले भाग के संख्याओं को देखें। दहाई वाले भाग में अब कोई संख्या नहीं है क्योंकि हमने उसकी 1 की संख्या उधार ली थी, इसलिए उत्तर 9 होगा। डिब्बी में 9 गुड़ की ढेली बची है। आइए ऐसे ही एक और प्रश्न हल करते हैं। गैफी के पास 15 कंचे हैं। कैफी ने 9 कंचे अप्पू को दे दिए। कैफी के पास अब कितने कंचे बचे हैं? इस बार हमें कैफी के पास बचे हुए कंचों की संख्या का पता लगाना है, इसलिए हम यहाँ भी घटाव का उपयोग करेंगे। हमें इस घटाव के रूप में इस तरह लिखेंगे। हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को पहले घटाएंगे। बच्चों, यहाँ 5 9 से छोटी संख्या है, इसलिए हमें यहाँ दहाई वाली संख्या में से 1 संख्या उधार लेनी होगी। अब हमारी 5 की संख्या बन गई 15। 15 घटाव 9 हुए 6। उत्तर को इकाई वाली संख्या के नीचे लिख लेते हैं। अब दहाई वाले हिस्से में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। क्योंकि हमने दहाई वाली संख्या से 1 उधार लिया था, तो वहाँ अब कोई भी संख्या नहीं है, यानी 0 संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 6। अतः गैफी के पास अब 6 कंचे बचे हैं। बच्चों, अब आपकी बारी है इस प्रश्न को हल करने की। एक अनार के पेड़ में 16 अनार है। गैफी ने उनमें से 9 अनार तोड़े। पेड़ में अभी कितने अनार है? इस प्रश्न को हल करें और अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक उधार के साथ घटाव करना सीखा।